بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن हम शाहिद इशरत है जी। मैंने डॉक्टर साहब के कुछ क्लिप्स देखे तो लेट 90s में मेरी बाबा जी से मुलाकात हुई थी और उस वक़्त मुलाकात ऐसी हुई थी कि हमारे एक दोस्त थे एडवोकेट, मैं तो बिज़नेस करता हूँ और जो हमारी बिज़नेस क्लास में वो आए तो उन्होंने कहा कि एक बाबा जी आए आज हमारे चैम्बर में, वो कह रहे थे आए और आप धमाल देखें, डांस देखें। अच्छा, तो हमने तो उसको लस्टी समझा, हमने कहा चलो ये बाबा जी शायद प्रमोट कर रहे हैं इस करप्शन को। मज़े। तो बहरहाल हम उनके साथ चले गए तो डांस वास देखा। मेरे ख्याल पहली दफ़ा ज़िंदगी में वहाँ जाने का इतफाक हुआ। फजे के पाए वगैरह खाने तो चले जाते थे लेकिन ऊपर जाने का इतफाक नहीं हुआ, तो वो फिर बहरहाल उधर गए। लेकिन मेरा तो कंसेप्ट हमारा सब दोस्तों का यही रहा कि बाबा जी सिर्फ शायद इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। हमने उसी कंसेप्ट लिया और इसी कंसेप्ट पे छोड़ दिया बाबा जी को कि ये तो बाबा जी कुछ क्या फ्रॉडियस ये क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर साहब के क्लिप्स देखे तो फिर बड़ी हैरानगी हुई। तो हमने तो एक दो दफ़ा शायद गए उनके साथ तो उसके बाद फिर उनको प्रमोट नहीं किया। तो अब मैं चाह रहा था कि सूरत रहमान के बारे में देखा तो मैंने कहा जब मुलाकात करके देखा जाए कि क्या सूरत हाल है, बस यही तासर है। सूरत रहमान सुनी है आपने? हाँ जी, मैंने सुनी है। ज़ाहिर है मैंने कुरान को खुद 20 साल खुद स्टडी किया, क्योंकि जब मैंने रवायती तौर पे कुरान पढ़ा तो मैं तो खुदा से भी बागी हो गया। लेकिन फिर मैंने रिसर्च की, कोशिश की कि कुरान के रियल मतलब समझे, जो खुदा का कंसेप्ट है और जिस खुदा को हम जिस कायनात को समझते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से खुदा को समझते हैं वो रवायती तर्जमे में कहीं नज़र नहीं आता। तो बेतहाशा तहफ़ात मैंने परवेज़ साहब को भी पढ़ा, शायद आपने पढ़ा होगा, परवेज़ साहब कुरानी फ़िक्र के बड़े स्कॉलर रहे यहाँ लाहौर में, तो उनको भी पढ़ा। तो उनको पढ़ने के बाद कुछ कुरान समझ आया लेकिन बेतहाशा तहफ़ात फिर भी मौजूद रहे। फिर मैंने खुद बड़ी मेहनत की और एक बहुत सारे अरबी स्कॉलर्स को पढ़ा, उन्होंने कुछ इंग्लिश में तर्जमे किए हुए, तो फरहान बिल मालकी है सऊदी अरब के, उनको पढ़ा। कुछ पाकिस्तान में भी कुछ लोग थे जिन्होंने रियल तर्जमे किए और जो इबहाम थे वो सारे दूर किए। तो मैं चाह रहा था, ये तो मुझे एक नया लगा था चैप्टर कि सूरत रहमान। बहरहाल हमारा जेन साइंटिफिक है, इन चीज़ों को पहले बिलीव तो नहीं करते थे, लेकिन बहरहाल जो मैंने ये तासरात देखे और लोगों के तबसरे देखे तो ज़ाहिर है उसमें कोई रियलिटी तो है, तो हो सकती है कोई ऐसी बात। लेकिन कुरान तो बेसिकली एक एक इल्म की किताब है और हदायत की किताब है। जो मैं समझाऊँ कुरान के सिर्फ दो सब्जेक्ट हैं, फ़र्द की शख्सियत की नशोनुमा कुरान इस पे बता रहा है और दूसरी तरफ ये स्टेट कैसे बनानी है, आपने रियासत कैसे बनानी है, तीसरा कोई मौजू नहीं है कुरान का जो मैंने कुरान को समझा। तो ये एक अजीब सी बात लगी कि ऐसा है, तो बहरहाल ये एक रियलिटी है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोई नई रिसर्च है तो वो हो सकती है, यही मेरा तासर है। मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रही इस वजह से कि मुझे सारे ना वही लोग मेरे से बात कर रहे थे, कॉन्टैक्ट उन्होंने किया जिन्होंने पहले दुआ की हुई थी, इससे बेनिफिट्स लिए हुए थे और उसके बाद अब दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। और वो जो द फर्स्ट डे वो जिस बीमारी के साथ आए थे वो उसी मसले में फंसे हुए थे, और उनमें से किसी ने 2 साल पहले दुआ की हुई थी, किसी ने 4 साल पहले ये थेरेपी की हुई थी। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि इट इज़ नॉट फॉर एवर, इससे तो फिर यही तासुर एक मिलता है ना कि इसका मतलब है कि ये टेम्पररी कोई क्योर हो सकता है, 2-4 साल बाद इसका मतलब है दोबारा बंदा फंस जाता हो। मेरा ख्याल है जो मैं समझा हूं थोड़ा सा डॉक्टर साहब के क्लिप्स में कमल आंटी फिर उस पे रिसर्च भी की, मेरा ख्याल जो जो पानी का कहते हैं जापान में एक रिसर्च पानी के बारे में कि पानी के कुछ तब्दीली आ जाती है और वो तब्दीली शायद पानी की असरात पैदा करती है शायद। तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई बहरहाल हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है। देखिए आवाज़ ट्रैवल करती है, ये एक आवाज़ का एक इशू है, हमने उससे बहुत सारी चीज़ें बना ली, डेवलप कर ली। जितनी भी साइंस ने रिसर्च की है वो कुदरत ने वो सारी चीज़ें अपने अंदर रखी हुई है, उसी को हमने एक्सप्लॉइट किया है और उससे बेनिफिट उठाया। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसके अंदर भी कोई चीज़ ऐसी है तो डेफिनेटली वो पानी में कोई तब्दीली आती है और वो असर करती है शायद, और एन मुमकिन है कुछ लोगों पर असर ना करती हो, उनकी बॉडी ना एक्सेप्ट करती। मैं यही चाह रहा था कि मुझे ये भी पता चला कि कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है और कुछ लोगों को नहीं हुआ है, तो इस पे फिर क्यों नहीं होता, इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो जो गौर फिक्र करने वाला जहन है और रिसर्च करने वाला वो तो सोचता है कि अगर नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ। तो इस पे अब आप लोग रोशनी डालें क्योंकि आप इस पे काम करते रहे, हम तो
क्योंकि तो ये नई चीज है। मुझे 10 ईयर्स हो गए हैं थेरेपी आगे बताते हुए, लेकिन हमारी लर्निंग तो ये होती है कि अगर आपको बेनिफिट हुआ है या नहीं भी हुआ, आप कुछ लोगों ने जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस ही की, या कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे इन्होंने औलाद के लिए की, अभी तक इनका बेबी तो नहीं हुआ लेकिन ये आगे बताने लग गई है ना दुआ, उसमें बहुत सारी लर्निंग होती है। तो मैं भी आगे बता रही हूँ, तो जब मुझे इस तरह के लोगों ने कॉल्स करना शुरू की ना, एक आई दो आई तीन आई, तो मैंने भी कहा यार ये क्या, जैसे मैं अभी बता रही थी कि एक बंदी ने कहा कि मुझे तो सिम्टम्स मेरे वही हैं कि मेरा ब्लड कम हो रहा है ना, तो मुझे ब्लड लगवाना चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि मैं तो बात पूरी इसको बता रही हूँ और फिर ये कह भी रही है कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं ऐसे ही इसको फॉलो कर रही हूँ, तो फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रही। लेकिन वो 2 मंथ्स के बाद पता लगा कि ये मसला है। इसी तरह से एक बंदी है, वो डॉक्टर है, उसने मुझसे कहा कि उसकी जहाँ पे भी ड्यूटी लगती है किसी भी वार्ड में वो जाती है, वो जिस मर्ज की वार्ड हो उसको वो मसला होने लग जाता है। तो वो तो साइकोलॉजिकल, मैंने कहा कि कुछ अब्जॉर्ब भी करते हैं ना, कुछ दुआ वाले पीस भी तो होते हैं, सेंसिटिव सोल्स जो कहते हैं अल्लाह मियाँ इसको ठीक कर दें, तो वो बैलेंस तो कहीं ना कहीं क्रिएट होना होता है ना, थोड़ी देर के लिए उनकी तबीयत ख़राब होती है और फिर वो भी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने उसको कहा कुछ भी नहीं है ये, वो तुम दुआ करके पानी पियो, दुआ वाले बंदे को तो कुछ नहीं होता, तो घबराओ नहीं। और लेकिन ये है कि वो बींग अ डॉक्टर, कलीग्स ने कहा नहीं टेस्ट कराओ ये कराओ, वो टेस्टों में कुछ भी नहीं आया। तो मैंने कहा यार मैंने तुम्हें कहा भी था और ये तुम्हें 2-3 साल हो गए हैं दुआ करते हुए, तुम्हारी अपने कितने इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, तो क्या तुम्हें हो गया मसला। नहीं 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 नहीं। थोड़े अरसे के बाद उसका मुझे दोबारा कॉल आई कि मेरी तबीयत तो इस तरह भी हो रहा है, वो जो पहले मुझे जब आपने दुआ कराई थी तो मुझे पैनिक अटैक्स होते थे, एंग्जाइटी, उसका पेपर फंसा हुआ था MBBS का लास्ट ना, तो मैं कांपना शुरू हो जाती थी, ये वो सारा कुछ दोबारा होने लग गया। तो सर ये कहते होते हैं कि फॉलो द फर्स्ट कॉल ऑफ योर हार्ट, वो कभी भी गलत नहीं होती। तो ना मुझे, मेरा अभी भी हमारी प्रैक्टिस उस पर चल रही है, मिस हो जाती है हमेशा। तो मुझे ना पहले ये ख्याल आया कि इसने दुआ के साथ ना कुछ और किया है, लेकिन ना मैंने उसको किया निगेट और मैंने उसको कहा कि लगता है कि इसने ना अपने किसी टीचर के साथ मिसबिहेव किया है, खुद से ही सोचा ना। तो मैंने कहा कि तुमने, मुझे लगता है कि अपने टीचर के को ना सबक देने की कोशिश की है, तुमने कुछ किया है ऐसा ना जिसकी वजह से तुम फंस गई हो, दुआ के अलावा तुम क्या कर रही हो। तो वो अब मुझे कहिए किस सेंस में मैंने अपने टीचर को सरपास किया है, किस सेंस में मैंने टीचर को सरपास किया है। जब उसने मुझसे 2-3 दफ़ा ये कहा ना, तो मैंने कहा यार सेंस वाली क्या बात है, अब जो इंसिडेंट हुआ होगा वो तो तुम ही जानती हो ना, मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक सिरा पकड़ाना था कि कहीं गलती हुई है तुमसे, क्योंकि दुआ वाला बंदा इतना कॉन्टिन्यूसली नहीं फंस सकता और वो आगे दुआएं भी करवा रहा है। तो उसने कहा कि वो, मैं रो रही थी तो मेरी एक कलीग थी, उसने कहा कि तुमने ना एक दुआ करनी है, उसमें तुमने आँखें बंद करके अपने आप को कहना है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। तो मुझे ना इसकी थीम बड़ी अपनी दुआ से मिलती जुलती लगी कि हम भी माफ़ी का ही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं जी प्यार करना है ये वो। तो मैंने ये थेरेपी स्टार्ट कर दी। तो जब से मैंने ये मेडिटेशन स्टार्ट किया, मुझे तो पहले दिन वाला सारा कुछ होने लग गया। वहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि आपने हक को जो है वो सेकेंडरी कर दिया, जिस चीज़ से आपने फ़ायदा उठाया हुआ था उसको सेकेंडरी कर दिया, और असल में तो आपको ये लगा कि ये जो मेडिटेशन बता रही है ना ये बड़ी अच्छी है, इससे लगता है इफ़ेक्ट आएगा कोई। वो आप, वो फिर सारी जस्टिफिकेशंस होती हैं कि मुझे थीम अपनी दुआ जैसी लगी, मुझे ये वो, तुमने बात तो किसी और की मान ली ना। खैर एक तो फिर मुझे ये आंसर मिला कि दुआ के साथ, मैंने कहा दो कश्तियों में सवार नहीं होते, अगर तुम्हें लगा है कि वो ज़्यादा अच्छी मेडिटेशन है वो करना स्टार्ट कर दो, ये दुआ यहीं तक थी। फिर उसने कहा नहीं 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 मुझे यही करना है ये वो। फिर मैंने उसको कहा अच्छा चलो तुम अपनी सारा कुछ बताओ कि इन 2-3 सालों में क्या क्या तुम्हारे मसले हल हुए। तो वो एक एंडलेस उसकी लिस्ट थी कि मेरा अपना हेल्थ इशू ठीक हुआ, मेरी मदर का आर्थराइटिस ठीक हुआ, मेरा MBBS का पेपर क्लियर हुआ, मेरी शादी हुई, मेरे प्रेगनेंसी के इश्यूज थे वो रिजॉल्व हुए, फिर मेरी बच्ची के वो डिले स्पीच थी वो मसला, मतलब बहुत सारे उसके इश्यूज रिजॉल्व हुए। फिर जो आगे वो खुद दुआएं कराती थी वो एक रिजल्ट्स थे बड़े ज़बरदस्त। फिर एक ये वाला ही हुआ कि वो बंदी ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर इसी तरह ही एक बच्चे को मैंने दुआ कराई हुई थी, कुछ लोग ऐसे ठीक होते हैं, उस वो हेजिटेट कर रहा, वो शायद बच्चा था, उसका कोई प्रॉब्लम था तो वो ना डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा था कि जी आप फीमेल हैं तो मैंने नहीं बताना, तुम्हें शर्म आ रही। मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह को तो सब पता है ना, तुम उसके आगे पेश हो जाओ। तो मैंने उसको दुआ कराई तो उसने कहा कि बाजी मैं सुकून मिल गया है, पानी का जायका भी चेंज हो गया था। अच्छा। और उसने वेरी नेक्स्ट डे कहा कि मेरा मसला भी हल हो गया।
तो मैं टाइम आने पे आपको बताऊंगा, अभी नहीं मैं बता सकता। शायद वो उसने देखना था कि कितना अरसा चलता है ये। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि बाजी मेरी ना टांगों में शदीद दर्द है, ये दर्द नहीं ठीक हो रहा। फिर उसके बाद उसने कहा कि ना मैं काम पे अपने होता हूँ तो एकदम से मैं बेहोश हो जाता हूँ। एक दफ़ा बेहोश हुआ, दो दफ़ा बेहोश हुआ। तो मैंने उसको बार बार जैसे हम पूछते हैं पढ़ाइयाँ तो नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो आजकल, अम्मी तो नहीं कुछ पढ़ के फूक रही, बीवी तो नहीं कोई दम वाला पानी दे रही क्या? नहीं बाजी कुछ नहीं, जैसे आपने कहा था वैसे ही, जैसे आपने कहा था वैसे ही। उसने अपने MRI सिटी स्कैन सारे अला बला टेस्ट करवा लिए, टेस्ट में कुछ नहीं आया। फिर उसके मतलब ये 6 महीने ये सारा टेन्योर चलता रहा जिसमें उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। तो फिर उसने मैंने कहा अच्छा मेरे पास तो यही है, दुआ करो पानी पियो, मैं और मज़ीद क्या बता सकती हूँ, मेरे तो से फिर माजरत है अगर नहीं तुम ठीक हो रहे तो। और फिर इस दौरान इंसान अपने अंदर सोचता है कि यार पता नहीं मैंने ही नहीं ठीक समझाया, पता नहीं क्या वजह ये ठीक नहीं हो रहा। तो उसका एपिलेप्सी आया कि उसको एपिलेप्सी है। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, मैंने कहा यार 6 महीने पहले मैंने दुआ कराई थी, होनी तो नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों हो गई है, लेकिन चलो अब अगला भी कह रहा है कि मैं इसी को ही दुआ को ही फॉलो कर रहा हूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन उसके साथ ही उसने मुझे ये भी ऑडियो सेंड की कि मैं जब अपना काम पे जाता था तो मैं 2 घंटे जिक्र करता था, तो वो मेरी आदत बनी हुई है, तो वो मैंने आपको नहीं बताया कि मतलब ये मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये है कि वो अब मैंने उसको छोड़ा है तो मेरा वो बेहोश होना ख़त्म हो गया। जब ये मेरी रिपोर्ट्स में आया ना कि तुम मिर्गी है, तो मैंने कहा कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि मैं मुझे एपिलेप्सी हो ना। तो मैंने बाजी की ने कहा था मुझे बार बार, वो हर दफ़ा पूछती हैं कि पढ़ाइयाँ बंद की या नहीं, तो वो मैंने बंद की हैं तो मैं ठीक हो गया हूँ। मैं थोड़ा सा गुस्सा भी आया, फिर मैं कह यार चलो खुद में चाह रहा है, हाँ मैं कहा चलो ठीक है। असल में तो वो मानने में इतना टाइम लग गया ना, तो इसलिए। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे माफ़ी नहीं किया जा रहा होता, हम भी उन्हीं में से ही शामिल हैं जो मुश्किल काम है ये, मुश्किल काम है थोड़ा सा। वो माफ़ी के ऊपर ही नहीं कायम हुआ जा रहा होता, या समटाइम्स अपनी गलती पे इंसान शर्मिंदा ही नहीं होता, दूसरे पे ही ब्लेम डालता जा रहा होता है कि अगर मैंने ऐसे किया था तो उसने भी तो ऐसे किया। लेकिन ये जो अल्लाह ताला प्रैक्टिकल से गुजारते हैं ना, जब आप लोगों को डील कर रहे होते हैं। सर ना बाबा जी की एक बात बताते होते थे कि ना जब भी कोई मुलाकात रही उनसे, मुलाकात ही मुलाकात है, आपसे मिल लिया, बाबा जी से मिल लिया, एक ही बात है। हमारा जो एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट था। क्या था? बाबा जी ने आपको कोई स्पेसिफिकली बात कही? नहीं, हमारे कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कहा कि आप आए और दमाल शमाल देखें और इससे आपके बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपका अगर किसी को कैंसर है वो ठीक होता है और किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता है। हमने तो उसको मजाक ही समझा, हमने कहा चले अगर डांस वांस अच्छा है तो डांस देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो हमने डांस देखने चले गए उनके साथ। तो बाबा जी ने कोई आपको पॉइंट आउट करके बात नहीं की? क्योंकि हम थोड़ा सा वजन हो गए ना, तो हमने ज़्यादा प्रोसीड नहीं किया, उनको फॉलो नहीं किया ये कहने। अगर हम शायद फॉलो करते जो मैंने अभी देखा है यहाँ क्लिप्स वगैरह, इसका मतलब है डॉक्टर साहब ने या आप लोगों ने उनको फॉलो किया शायद ज़्यादा अच्छे तक, तो उनकी शख्सियत आपके सामने शायद आई, हमारे सामने उनकी रियल शख्सियत नहीं सामने आई। हम तो समझे कि ये शायद उस एरिए के प्रमोटर हैं हमारे, तो वो हम यही समझते रहे, तो इसलिए हमने उसे उन्हों को प्रमोट भी नहीं किया और उस काम को भी प्रमोट नहीं किया। अगर शायद जाते रहते या मिलते रहते तो शायद वो ज़्यादा जो चीज़ें अब डॉक्टर साहब या आप लोग कहते हैं वो हमारा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं था। आज भी मैंने बल्कि दोस्तों से जो गए थे उनसे बात की है, वो तो अभी हंस रहे हैं, कह रहे हैं आप क्यों जा रहे हैं उधर, वो तो आपको पता है वो क्या थे और क्या नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो थोड़ा सा रिसर्च करने वाला बंदा हूँ, मैं तो कुछ कोशिश करूँगा कि शायद कुछ उनका अगर ये पहलू हो सकता है, हमने हमारे सामने आश्कार ना हुआ हो तो हो सकता है कि हमने तो बहुत सारा वक्त तो गुजारे ही नहीं उनके साथ, तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि वो कैसे थे कैसे नहीं। तो हमने सतही तौर पर उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा, उसमें तो हमें यही समझ आई, तो हम तो पीछे हट गए कि ये काम तो ना हमने करना है ना हमारे को सूट करता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, जी जी जरूर माइक। जब आपकी बाबा जी से मुलाकात हुई जी जी, तो उन्होंने दमाल में आपको लेके गए? हाँ लेके गए, हमें वो कोठे पे लेके गए, खुद ही साथ थे, उनको बताया काकी ये लोग आए हैं तो ये बैठे, हमने वैसे बैठ गए जी जी, देखा और शायद 2 दफा गया मेरा इससे। अच्छा, तो आप लोगों में आपके दोस्त बाप जो जाते थे या इर्द गिर्द? जी हाँ, ग्रुप था हमारा। जी जी,
तो उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम तो शुक्र समझ के गए। अच्छा, तो वो बता रहे थे कि एक दोस्त है हमारे एडवोकेट, वो कह रहे हमारे चैम्बर में आज ही आए हैं जी, जी। उन्होंने शाम को भी बताया कि बाबा जी एक आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि दांत देखे, हमने कहा चलो दांत देख ले, क्या हाल है, हमने आज तक कभी दांत देखा नहीं। अजय के पाए खाने तो उधर जाते थे लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला, तो चलो अच्छी बात है देख लेते हैं डांस। तो इस हम तो इस चक्कर में गए, और उससे आगे चूँकि ना कोई उनसे रब्ता हुआ, ना उन्होंने हमें कभी प्रमोट किया, शायद हम पीछे हट गए तो उनकी असल शख्सियत सामने नहीं आई। लेकिन अभी जो इस सारे क्लिप से मुझे समझ आया कि उन्होंने 400 उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया, तो समझ ही आई है कि उनका एक अच्छा मिशन था, वो एक मिशन पर काम कर रहे थे। जो मैंने क्लिप्स देखे और अब जो हिस्ट्री देखी है, तो मुझे ये समझ आई है कि वो एक मिशन पे थे और पढ़े लिखे लोगों को शायद वहाँ लाना चाह रहे थे, जो कि हमारे जैसे लोग वहाँ जाना पसंद ही नहीं करते। तो वो चाहते होंगे कि ये लोग इनमें से कोई शादी कर ले या इनके बच्चों में से कोई शादी कर ले। उस वक्त तो मैं भी शादीशुदा था, हमारे सारे दोस्त शादीशुदा थे, तो वो चाहते होंगे कि शायद, मुझे जो अब पता चला कि उन्हें 400 के करीब उन उस इलाके की लड़कियों की शादियाँ कराई, तो बकौल उनके कि मैंने उस एरिए को ख़त्म कर दिया और उसको ख़त्म किया, और अब मैं जो 5-star में जा रहा हूँ। तो वो जो बातें मैंने सुनी हैं तो उससे समझ आता है कि उनका एक मिशन होगा। जिस चीज़ पे मेरी रिसर्च नहीं है उस पर मैं कमेंट सुन ही दे सकता, गलत बात है, बदयांती है। तो डेफिनेटली हम अब मुझे जो सारी क्लिप्स देखे हैं डॉक्टर साहब के, और जो मैंने बल्कि बहुत सारी खवातीन के क्लिप्स भी देखे हैं। भाई एक खातून बता रही थी, बड़ा लंबा उठका था कि मैं कैंसर की थी, मुझे बोन कैंसर था, कि मैं रात को गिर गई तो मैं अपना कंबल भी नहीं उठा सकती थी, मैं स्टेज पर थी, तो सूरत रहमान सुनने से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ये यूट्यूब पे आप लोगों ने भी शायद देखे हों। तो जब ये चीज़ें सामने आई तो मैंने कहा थोड़ी सी रिसर्च तो करनी चाहिए कि क्या है, वाकई ऐसा कुछ होता है। मैं तो जो बाबा जी से जो मिला वो जो काम नहीं हो सका, तिश्ना रह गया, उसको मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूँ, अगर आप ये समझना चाहेंगे। आपके दोस्तों में से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो शुक्र उन्होंने तो हमारे जो एडवोकेट वकील थे दोस्त अब्बास साहब, मुझे आज भी याद है उनका नाम, बड़ा था, उन्होंने तो शुगल में हमें बताया कि भाई ऐसे एक बाबा जी आए हैं, वो कहते हैं जी चलो हीरा मंडी चलो और चल के डांस देखो। तो हमने कहा चलो यार, अगर कोई बंदा हमें डांस दिखाना ही चाहता है तो चले जाते, हम अकेले तो नहीं कभी गए। तो वो एक प्रमोशन की शक्ल में हम वहाँ चले गए, ना हमें कोई प्रॉब्लम थी। उन्होंने तो कहा किसी को डांस देखने से ही, तो हमने भी सुना हुआ था कि म्यूज़िक थेरेपी एक इलाज है, बहरहाल हम पढ़े लिखे लोग थे, इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझते थे कि अगर इससे कोई थेरेपी हो सकती है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो ये दुनिया में भी कोई रिसर्च हुई है मौसीकी की और आवाज़ों की, क्या साउंड का भी एक इम्पैक्ट इंसान की बॉडी पर आता है। तो हम तो इस शक्ल में चले गए, लेकिन हमने दो डांस के बाद हम वहाँ ना गए, ना हमने कोई हमें हमारी उनसे मुलाकात हुई। आपने उन दो सेटिंग में, हाँ, मेले जैसे भी उधर तमाशबीन बैठे होंगे? नहीं, वो स्पेशली हमें लेकर गए, उन्होंने ऊपर से बुलाया उनको, वो हमारे लिए, मुझे आज भी याद है कि वो हमारे लिए आए। बल्कि मुझे ये भी याद है कि मैं इंजीनियर्स क्लब होती थी गुलबर्ग में, मैं उसका मेंबर भी था, तो बल्कि हमने उन लड़कियों को अपने क्लब में भी बुलाया, बाद में उनका टेलीफोन नंबर हमारा आ गया था, तो हमने उनसे रब्ता किया और उनको बुलाया, दो तीन दफ़ा हमने प्रोग्राम भी किए। लेकिन हमने तो उसको शुगर समझ के काम किया, हमारे सामने थेरेपी का कंसेप्ट नहीं था, उन्होंने हमें थेरेपी के हवाले से वहाँ पर वोट किया, लेकिन हमें ना थेरेपी की ज़रूरत थी तो ना कुछ हो, बल्कि वो जो जो जिन्होंने प्रमोट किया उनको बाद में हार्ट का प्रॉब्लम भी हुआ, तो ना उन्होंने हमने उसको थेरेपी को समझा, ना हमने थेरेपी के लिए हम गए वहाँ। ये है हमारी सारी हिस्ट्री। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.